Hello everyone, my name is Ajmer Din and today we are going to discuss direct tax law May 2018 CA final exam paper. Or finally I got chance to completely review this question paper, or trust me, it was a really tough and lengthy one to attempt. बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम इस वीडियो से पहले मैंने चार पांच जो है कुछ वीडियोस अपलोड करी थी, पोस्ट करी थी, जहां पे मैंने कुछ प्रोविजंस को उठा के आपको बताया था कि उसमें क्या एप्लीकेबल लॉ केस स्टडी जो है वो लगती है. एंड आई गॉट अ वेरी डिसेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बट सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू कम्प्लीटली एनालाइज दिस क्वेश्चन पेपर, कम्प्लीटली गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर एट वंस. तो दिस इज़ फॉर यू फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर यू वीडियो इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली एनालाइज दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट की. तो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है, क्योंकि ये टैक्सेशन है और इसमें ओपिनियन जो है इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, और काफ़ी ओपिनियन ऐसे हो सकते हैं जो आपके और मेरे डिफ़र करें. तो जो भी आपको सही लगता है वो मुझे बताना, ऑफकोर्स थ्रू कमेंट बॉक्स. आप उसमें कमेंट करिए कि आपको ये बात गलत लगती है, और जो करेक्ट प्रोविज़न आपको लगता है साथ के साथ वो भी लिखना, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये कहें कि ये गलत है पर आपके हिसाब से जो सही चीज़ है वो ना बताएं. तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी. तो रेदर देन जस्ट राइटिंग दिस इज़ रॉन्ग, जस्ट राइट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. सो आई विल अप्रिशिएट दैट. और आपका प्रोविज़न अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा तो आई विल इनकॉर्पोरेट इट इन टू दिस वीडियो ओनली, डोंट वरी अबाउट इट. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट के ए पार्ट की. तो फर्स्ट के ए पार्ट में जो है, सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म थी जो 1 जून 2017 को फॉर्म हुई थी, तो 10 महीने का इसमें टाइम पीरियड था. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 2.5 लाख रुपए दे रखा है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे वर्किंग कैपिटल का. वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 12% अलाउड होता है, तो उस हिसाब से आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी थी. डोनेशन टू द रिलेटेड पार्टी बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो ये डिसअलाउड है. बट इसका आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है चैप्टर 6 में, पर वहाँ पे सिर्फ उतना मिलता है जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया, यानी कि 70,000. इसके बाद बात करते हैं मंथली रेंट की. तो मंथली रेंट जो है 30,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा, 15,000 के हिसाब से आपको अलाउड करना पड़ेगा पर मंथ है. तो उस हिसाब से आपने 6 महीने की कैलकुलेशन करनी थी. TDS का कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि 1,80,000 की थ्रेशोल्ड जो है वो इसमें क्रॉस नहीं हो रही, तो इसलिए आपको इसका कोई इंपैक्ट नहीं लेना था. स्पॉन्सरशिप फीस फॉर द लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, इसमें दो ओपिनियन फॉर्म हो सकते हैं. अगर आप इसको बिजनेस इनकम बिजनेस प्रमोशन मानते हो तो इसको अलाउड कर लो, अगर बिजनेस प्रमोशन नहीं मानते तो डिसअलाउड करो, पर इसका चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. उसके बाद बात करते हैं 7th पॉइंट, जहां पे आपका गोल्ड कॉइन से रिलेटेड पॉइंट था. तो ये मैंने बात जो है अपनी प्रीवियस एक वीडियो में भी कर रखी है, बट फिर भी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. 10,000 से ज़्यादा का नहीं है पहली बात ईच गोल्ड कॉइन, तो इसलिए ये आपका जो है अलाउड एक्सपेंडिचर है. बट अगर 10,000 से ऊपर भी होता तो भी जो बर्डन ऑफ TDS है वो आप TDS जो है उसका कोई केस नहीं है, क्योंकि ये बर्डन ऑफ TDS नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है मॉनेटरी चीज़ नहीं है, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट जो है वो नॉन मॉनेटरी नेचर होता है. और इसके ऊपर हिंदुस्तान लीवर की केस स्टडी है जहाँ पे कहा गया है कि TDS की लाइबिलिटी तो नहीं बनती, बट आपने इंश्योर करना है कि जो सामने वाला जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो अपने यहाँ से टैक्स जो है डिपॉजिट करा दे अप्रोप्रिएटली. अगर उसने डिपॉजिट नहीं कराया तब जाके आपके ऊपर जो है जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो करी जाएगी, अदरवाइज़ इसमें TDS की इस ये एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउड नहीं है. इसके बाद बात करते हैं आपका डेप्रिसिएशन जो है वो आप एडबैक कर दो, आप इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्ट कर दोगे. उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने रेगुलर प्रोविज़न के हिसाब से टैक्स निकालना है, कंप्यूट टोटल इनकम और रेगुलर प्रोविज़न के हिसाब से निकालना है और टैक्स, और 44AD के हिसाब से भी टैक्स निकालना है. तो 44AD में जो 8% का प्रोविज़न है वो लगेगा, पर 8% नॉर्मल में लगता है और पर 6% उस पर लगता है जहाँ पे आपने जो है पैसे जो है रिसीव करें, सेल प्रोसीड रिसीव करिए क्रेडिट कार्ड RTGS के थ्रू, तो वहाँ पे 6% का लगेगा. तो ये थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट थी 44AD में, तो ये उसका एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे थी. उसके बाद बात करते हैं हम आएंगे फर्स्ट के बी पार्ट की. तो दिस वाज द क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन थ्रू इन द एंटायर डायरेक्ट टैक्स लॉ का फाइनल का जो पेपर था, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन था फर्स्ट का बी पार्ट. दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, 10 मार्क्स के लिए, पर बहुत ही ज़्यादा
ट्रिकी है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। इसमें निकालना क्या था सिंपल, इसमें मैट के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकालना था और आपका जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ निकालनी थी, दैट्स इट। दो चीज़ पूछी और चार पॉइंट्स हैं। और पर इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करें, सबसे पहले मैं रिवर्स चलता हूँ, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो टेक्निकल सर्विसेज जो आपने रिसीव करी है की पेमेंट जो आपने रिसीव करी है ये आपका आता है 115A के परव्यू में, और इसमें आपका जो टैक्स रेट लगता है वो लगता है 10%। तो पर 10% किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ रिसिप्ट के ऊपर लगेगा 25 लाख। इसमें 6 लाख की जो डिडक्शन वो अलाउड नहीं होगी। पर बात करें इसकी मैट के एप्लीकेबिलिटी की, तो मैट में ये जो इनकम है आपको बुक प्रॉफिट से रिड्यूस करनी पड़ेगी। बुक प्रॉफिट में इस इनकम को नहीं रखेंगे ना इसके एक्सपेंडिचर को रखेंगे, तो यानी 83 लाख में -25 लाख होगा और +6 लाख ऐड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैट ओनली। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम MMS लिमिटेड जो मुंबई की है, 7 लाख रुपये पैसे आपने लिए हैं, तो इसके ऊपर भी प्रोविज़न जो है वो लगता है आपका 115A। इसमें कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी रेंट, कोई भी लोन एग्रीमेंट एंटर करा है आपका आपका जो है 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2020 के बीच में कोई भी लोन एग्रीमेंट एंटर करा है, तो उसके ऊपर जो है 5% की आपको टैक्स लाइबिलिटी होती है। स्पेशल रेट है, कंसेशनल रेट है, और 5% का ही TDS काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 194LC। तो ये प्रोविजन इसमें लगना था। उसके बाद डिविडेंड रिसेंट फॉर इंडियन कंपनी तो एग्जेम्प्ट होता है, तो इसको आप मैट की प्रोविजन के लिए इसको डिडक्ट करोगे। और इस वाले इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम MMS को भी आपने मैट के प्रोविजन के लिए डिडक्ट करना था। तो ये मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर होता। अगर आपको फिर भी लगता है इसमें कोई और एड ऑन पॉइंट हो सकता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी नया है और ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो उस टॉपिक का नाम है टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट के हिसाब से आपने ये निकालना था। ऑल्दो इसमें डिविडेंड रिसीव्ड अदर देन 115 वो जो है वो 20% के हिसाब से होते हैं। एक और इसमें एड ऑन पॉइंट ये है। ओके, तो फाइनली इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की। इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपके पार्टनरशिप फर्म से जो पैसा मिला है वो ऑफकोर्स पहले देखते हैं निकालना क्या है। इसमें निकालना है आपका कंप्यूट टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालनी है और ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। तो टोटल इनकम और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट SPL के हिसाब से 52 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर SPL। तो इसमें जो है आपने पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जेम्प्ट होती है, पार्टनरशिप फर्म से जो भी पैसा मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको तो डिडक्ट कर देना है। उसके बाद कंपनी पेड 1 लाख सर्विस चार्ज फॉर कॉल सेंटर, तो टैक्स रेट उसका 2% ही होता है, तो करेक्ट है क्योंकि ये अमेंडमेंट थी, तो इसमें 10% से घटा के 2% कर दिया गया, तो ये करेक्ट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड 8 लाख, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, अदर देन तो नहीं लिखा हुआ, नहीं अदर देन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड 8 लाख फॉर डिगिंग वेल्स नियर फैक्ट्री, CSR एक्सपेंडिचर है, CSR एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है, ये क्लैरिफिकेशन दे दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर, तो इन CSR एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है, तो इसको ऐड बैक करना है इसको प्रॉफिट में। उसके बाद ग्रांट रिसीव्ड फॉर जनरेटर, 10 लाख की ग्रांट रिसीव्ड है, आपने उसको डिडक्ट नहीं कर रहा तो आपको इसको डिडक्ट करना चाहिए, क्योंकि 10 लाख की जो ग्रांट है वो किसी स्पेसिफाइड एसेट के लिए, और जब भी किसी गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफाइड एसेट के लिए होती है तो ICDS कहता है कि उस ग्रांट को जो है उस एसेट की वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका इंपैक्ट जो है डेप्रिसिएशन में आता है, तो अगर कोई डेप्रिसिएशन का नीचे पॉइंट है तो वहाँ पे उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस में आपने 10,000 रुपये से ऊपर की अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो डिसअलाउड होती है, 2 लाख रुपये आपका डिसअलाउड होगा एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन में उसका इंपैक्ट आ जाएगा ऊपर का। और प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड टैक्स जो है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिटर्स रिटर्न बैक जो है आपके 5 लाख के रिटर्न बैक है, तो इसमें क्या दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रिटर्न बैक है तो ठीक है, आपका कोई और ओपिनियन तो मुझे बताओ। उसके बाद रॉयल्टी इनकम जो है 115 की रॉयल्टी इनकम है, 115 WBF की रॉयल्टी इनकम है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है आपका रॉयल्टी इनकम है, अच्छा, तो इसको 10% जो है आपका सेपरेटली आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप डिडक्ट करो पर आपको सेपरेटली अलग से जो है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 10% का इस पे रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा। डिप्रिसिएशन एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 में एलिजिबल है, तो ये जो है आपका अलाउड होगा
तो एज़ पर बुक्स जो है आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, और एज़ पर बुक्स जो है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, और ये जो अलाउड है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। पर इसमें इम्पैक्ट आपने लेना है वो जो 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट है उसका। इसके बाद बात करते हैं एसएससी एक्सक्लूडेड सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और उसमें कोई विदहेल्ड मनी है, ठीक है, तो जब विदहेल्ड मनी आपके पास आएगी तभी आपने जो है बुक्स में प्रॉफिट दिखाना है। ये तो आपके ICDS कहते हैं, ICDS 3। और इसमें एक और केस लॉ जो आपका एप्लीकेबल होता है वो है एसोसिएट केबल्स का एक केस लॉ है, जिसमें उसमें कहा गया है कि विदहेल्ड मनी जो है आपकी जब आएगी, जब वो जब कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब उसको मिलने की चांसेस आपके होंगे, तभी आपने अपने बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ठीक है, ICDS 3 के हिसाब से उसको ऐसे ट्रीट करना था। उसके बाद 100 आपका 11UA का केस भी इसमें डाल दिया गया है। तो UA 11UA में कहा गया है कि अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी ने कोई ट्रांसफ़र करा है जो अनलिस्टेड शेयर होते हैं, तो अगर वो शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो 11UA का रूल लग जाएगा, और 11UA के रूल से जो भी प्राइस आएगा उसको हम फुल कंसिडरेशन मानेंगे। पर इस केस में जो है आपका फेयर मार्केट वैल्यू जो है, जो आपका शेयर इशू है वो 25 रुपये में हुआ है, और 11UA के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू 17 रुपये, तो 25 रुपये के हिसाब से ही आपने ट्रीटमेंट करना था। और सी पॉइंट की बात करें, एडवांस टू डायरेक्टर, अगर एडवांस टू डायरेक्टर है, और ये क्या प्राइवेट कंपनी है, यस BG प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है, तो एडवांस टू डायरेक्टर इज़ अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, तो ये एक डीम डिविडेंड भी माना जाएगा क्योंकि इसकी होल्डिंग भी तो 22% की है। ठीक है, तो यहाँ तक था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना थ्रू कमेंट बॉक्स। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की बात करें, तो जब भी डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट साइन होता है तो वो एग्रीमेंट अप्लाई होता है, उनके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में उसका टैक्सीबिलिटी हो, चाहे DTA में, तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू SSC, वो SSC जो है अपनी मर्जी से ले सकता है। अगर DTA में कोई टैक्स, किसी इनकम की टैक्स जो है टैक्सीबिलिटी नहीं दे रखी और अपने प्रीव्यू से बाहर कर रखी है, तो उस इनकम के ऊपर SSC को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये SSC के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर ये उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि उसने क्या सही है उसको। अगर DTA का प्रोविज़न बेटर लग रहा है तो वो DTA का प्रोविज़न लेके एग्जम्पशन ले सकता है। तो मेरे हिसाब से ये ओपिनियन होना चाहिए था। उसके बाद एडवांस प्राइसिंग का एक क्वेश्चन आया। एडवांस प्राइसिंग के क्वेश्चन में जब भी कोई कंपनी जिसने एडवांस प्राइसिंग के लिए अप्लाई कर रखा होता है उसी को रोल बैक का बेनिफिट मिलता है। तो एक्स और वाई ने अप्लाई कर रखा था तो एक्स एंड वाई को ही मिलेगा। अगर दोनों ने मर्ज होकर XY बना ली तो XY को मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पर बात की है ट्रांसफर पॉइंट प्राइसिंग ऑफिसर के बारे में। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें प्रोसीडिंग्स बिफोर TPO का केस था, तो इसमें टाइम लिमिट बतानी थी। तो टाइम लिमिट होती है 60 डेज़। अगर 60 डेज़ कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो है 60 डेज़ से कम मिलता है, अगर जैसे इस केस में 30 डेज़ मिला है, तो रिमेनिंग पीरियड जो है उसको 60 डेज़ तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये केस आपने यहाँ पर लिखना था। उसके बाद बात करते हैं आपके सी पॉइंट की, और सी पॉइंट में आपका आता है डोमेस्टिक कंपनी हैज़ डिडक्टेड TDS ड्यूरिंग Q1। तो इसमें आपका प्रोविज़न जो लगना था वो 234E के हिसाब से, अगर जो पेनल्टी होती है, पेनल्टी नहीं कहते इसको, फ़ीस कहते हैं, जो फ़ीस होती है वो 200 रुपये पर डे की फ़ीस होती है, और 200 रुपये पर डे की फ़ीस तब से लगती है जब से फेलियर स्टार्ट हुआ है, और मेरे ख्याल से सेवन्थ ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है आपने शुरू हो जाता है, 7th तक की ड्यू डेट होती है, और उसके जो है जब तक उसने जमा कराया तब तक के बीच में जो डिफरेंस है इनटू 200 रुपीज़, और वो जो अमाउंट आएगा वो आपका जो है TDS, जितना TDS कटना चाहिए था उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ये प्रोविज़न लगना था, और दूसरा ये है कि क्या ये आपका अलाउड एक्सपेंडिचर है इन द इनकम टैक्स, इन द प्रॉफिट गेंस, तो ऑफ कोर्स ये अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके ऊपर केस स्टडी लगती है अरुणा मिल्स की केस स्टडी, बहुत पुरानी केस स्टडी है, जहाँ पे CIT ने ये कहा था कि इसको अलाउड नहीं करना चाहिए, और कोर्ट ने भी यही कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि एक बंदा, एक बिजनेसमैन, अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट करा है किसी पेमेंट में, तो उसको हम स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन में, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करा है तो उसको हम अलाउड एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। स्टिल इसमें भी कोई, अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के थ्रू। अब बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो इसमें पांच में से चार केसेस करने थे, ठीक है वो बात तो ठीक है, बट हम तो सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केस था कि सारे पार्टनर्स हैं जिनके पास ठीक है उनके पास कुछ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 50 लाख का डिपॉजिट करा है, और एक और डिपॉजिट था वो 10 लाख का था, वो कैनरा बैंक में था, वो तो सरप्लस फंड में था। तो इस केस में कहा गया है कि इनका असेसिंग ऑफिसर कह रहा है दोनों को आप एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाओ, और ये कह रहे हैं कि नहीं इसको हम अदर सोर्सेज नहीं दिखा रहे, ये चैलेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली इशू तो ये था इसमें। बाकी इसमें मेरे हिसाब से ओपिनियन ये है कि जो आप और इस आपने जो 50 लाख रुपए फॉर मेकिंग किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, टेंडर को लेने के लिए आपने 50 लाख रुपए जमा कराएं, तो वो एक तरह से आपका रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ PGBP है, तो उसे आप PGBP में डाल दो, जो एक्सेस फंड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, ये ओपिनियन भी हो सकता है कि जो 50 लाख की रिसिप्ट जो आ रही है वो कैपिटल रिसिप्ट भी मानी जा सकती है, अगर इसके ऊपर कोई केस स्टडी है तो, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है और आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो 50 लाख का जो अमाउंट है ये थोड़ा डाउट का अमाउंट है, और इसमें दो ओपिनियन फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर कोई केस स्टडी है तो मुझे ज़रूर बताओ कि क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट ये PGBP में आएगा दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद बात करते हैं फैक्ट्री के नाही के बॉन्ड के बारे में। तो इसमें 54EC में तो सिंपल फंडा है कि आपका लॉन्ग टर्म तभी माना जाता है जब आपका एसेट जो है 36 महीने से ज़्यादा आपके पास रहा हो, तो उसे उस के कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे देखना था। सी पॉइंट पे बात करें चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ऑफ कोर्स सी बात है 85% तो उसमें होता ही है, बट 85% अगर आपका स्पेंड नहीं होता और एनी अदर रीज़न की वजह से आप उसे स्पेंड नहीं कर पाते तो आपको बताना पड़ता है, और अगले साल जो है उतना अमाउंट आपने स्पेंड करना पड़ता है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे लिखनी थी। डी पॉइंट की बात करें तो ये मैंने केस कवर कर रखा था अपने हिंदुस्तान लीवर के केस में, जहाँ पे जो बर्डन ऑफ TDS है वो SSC पे नहीं आता, बल्कि उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी रिसिप्टेंट है वो प्राइस लेने से पहले या प्राइस लेने वाले दिन तक जो है TDS जो है वो जमा करा दे, मतलब TDS इन द सेंस वो उस अमाउंट के ऊपर का टैक्स जो है अपने आप इस एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा दे, तो उसके बाद SSC जो है वो गिफ्ट दे सकता है, अगर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलती है। ये सेम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में केस स्टडी में बता रखा है, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। साथ में अगर अगले पार्ट की बात करें जिसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स वाला केस था, तो इसमें सेक्शन नंबर लगता है आपका 148, जिसमें कहा गया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इनकम एस्केप्ड है, तो उसको एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है, एक उसको ये देखना पड़ता है कि लाइकली अमाउंट कितना है जो कि एस्केप हुआ है। अगर लाइकली अमाउंट जो है वो आउटसाइड इंडिया है, किसी भी केस में आउटसाइड इंडिया तो 16 साल की लिमिट होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर उसको लगता है 1 लाख से ज़्यादा का लाइकली अमाउंट जो एस्केप हुआ है, तो फिर 6 साल, और इन एनी अदर केस उसके पास 4 साल है। तो ये जो है सेक्शन 148 का टाइम लिमिट है, ये आपको ध्यान रखनी थी। और इस केस की बात करें तो क्या उसको ये बताना ज़रूरी है कि कितना क्वांटिफाई उसे ऐसा लगता है, तो नहीं, मेरे ख्याल से तो इसको बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि लाइकली अमाउंट है, और लाइकली अमाउंट तो कितना भी हो सकता है, 1 लाख से ऊपर का लाइकली अमाउंट है, 1 लाख से कम का, तो वो तो कितना भी हो सकता है, तो वो कैसे क्वांटिफाई कर दे विदाउट असेसिंग हिज इनकम। तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक के।